नमस्कार, आप देख रहे दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, तमाम निजी विद्यालय से प्रताड़ित होकर आखिरकार झाझा के तमाम अभिभावकों ने एक संघ बनाया जिसका नाम है अभिभावक संघ झाझा, जिसमें तमाम निजी विद्यालय के द्वारा जो फीस के रूप में मोटी रकम मांगी जा रही है, तमाम अभिभावक देने में असमर्थता जता रहे हैं। जैसा कि देखा आप लोगों ने, पूरी तरह भारत की अर्थव्यवस्था चरमराई थी। लगभग सारे लोगों का यही हाल था। मैं निजी विद्यालय की भी बात करना चाहूँगा, उनकी भी अर्थव्यवस्था में नुकसान हुआ, लेकिन अभिभावक कहीं न कहीं ज़्यादा दोहन हुआ। अभिभावक ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हुआ है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके साथ भी तकलीफें आई हैं, और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके साथ भी तकलीफें आई। झाझा एक मध्यम वर्गीय शहर, यहाँ कई लोग खाने कमाने वाले लोग हैं। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन समिति, इन लोगों का मांग है कि 50% स्वयं को फी में कटौती करके आदेश दें, 50% किसी तरह से कर्जा ऋण करके 50% हम विद्यालय प्रबंधन को पैसा दे देंगे। और हमारे बच्चों के साथ भी ये लोग, जो अभिभावक को नहीं बताता है बच्चा, लेकिन बच्चों के साथ विद्यालय का जो शिक्षक है प्रताड़ना करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। ये बहुत ही गलत बात। माना लॉकडाउन में आपके सारे विद्यालयों की स्थिति खराब हुई है, लेकिन बच्चों को प्रताड़ित करने का आपको बिल्कुल अधिकार नहीं। हमारे साथ संघ के कई लोग जुड़ेंगे, क्या क्या उनका क्रियाकलाप होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिर एक बार मैं बताते चलूँ आपको, मुझे किसी विद्यालय से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, और हमारे अभिभावक के तमाम बच्चे विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते हैं। तमाम विद्यालय प्रबंधन के साथ कल जाके स्कूल में ये लोग अपनी मांग रखेंगे, अपनी समस्याएं रखेंगे, एक आग्रह रखेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहिए हमारे साथ। महिला अभिभावक भी जुड़ रही हैं अंजनी कुमारी। मैडम, कल जो संगठन की तरफ से जो कल कार्यक्रम है, क्या समर्थन है आपका? हम लोग कल 10 बजे चनवारी मैदान से सेंट जोसेफ स्कूल जाएंगे, उसके बाद जितना भी प्राइवेट स्कूल झाझा के अंदर में है हम लोग सारा वहीं जाकर, हर जो पहले से 50% डिस्काउंट कर दिए हैं उनको फूल माला देंगे। हाँ, और जो नहीं किए हैं आग्रह करेंगे उनसे, हम लोग आग्रह करेंगे, हम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा का मामला नहीं रखना चाहते। थैंक यू। उनके बने हैं, क्या करने जा रहे हैं कल? मैं अभिभावक संघ का सचिव, मुझे नियुक्त किया गया है। कल हम लोग चनवारी मैदान में 10 बजे से पहले सभी अभिभावक वहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ से 10 बजे शांतिपूर्वक मार्च होगा पैदल सेंट जोसेफ स्कूल के लिए। वहाँ पर जाके फादर से हम लोग अपनी बात रखेंगे, जो भी फीस में रिबेट देने की बात। सारे विद्यालय जाएंगे ना? पहले हम लोग सेंट जोसेफ स्कूल से शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद कुछ एक विद्यालय ने खुद से अनाउंस किया है कि हम 50% ही ले रहे हैं। जैसे कि निराला साहब हैं, झाझा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब, सुबह उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही 50% का घोषणा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये बहुत ही स्वागत के योग्य बात है, और बाकी जो स्कूल बच गए हैं उनसे हम लोग 1 by 1 जाकर के मिलेंगे। हमारा ये वो बोलिएगा, क्या करने जा रहे हैं बबलू सिन्हा कल? कल हम लोग एक साथ सभी झाझा के अभिभावक इकट्ठा चंदवारी मैदान में होंगे। वहां से 10 बजे एकदम पैदल, पूरे झाझा से पैदल यात्रा करते हुए सेंट जोसेफ स्कूल फादर से मिलेंगे, और फिर फादर से मिलने के बाद फिर दूसरे दिन दूसरे स्कूल में, सभी प्राइवेट स्कूल में मिलना है। हम लोग का एक सूत्री मांग है, ये लॉकडाउन का जो फीस है साल भर का, उसका 50% होना चाहिए। हम लोग का एक सूत्री मांग है, क्योंकि 50% से ज़्यादा हम लोग देने में असमर्थ है, अन्यथा हम लोग सर्वसाधारण ढंग से धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग अपनी मांग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM साहब को बोलेंगे, CM साहब को से गुहार करेंगे कि हम लोगों की मांग 50% जो है वो पूरा हो, और हम लोग शांति पूर्वक आंदोलन करेंगे, और इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो हम लोग अपने अपने बच्चों को स्कूल से वापस भी कर लेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सूर्यवश जुड़ रहे हैं। आप लगातार सामाजिक सेवा किए, कल आप लोग का समर्थन इन लोगों का है? बिल्कुल, गांधीगिरी तरीके से होगा, अहिंसक रूप से हम लोग आग्रह पूर्वक करना चाहते हैं। किसी भी विद्यालय से हम लोगों की निजी दुश्मनी नहीं है, बल्कि हमारे बच्चे के भविष्य के लिए वो विद्यालय में हम लोग भेजते हैं अच्छे भविष्य के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों के गार्जियन के, गरीब लोग गार्जियन हैं जिनकी लॉकडाउन के दौरान काफ़ी स्थिति, माली स्थिति खराब हो गई, और फिर भी स्कूल समझने को तैयार नहीं है, और आर्थिक दबाव डाला जा रहा है, उस दबाव को कम करने के लिए आग्रह करेंगे। फिर आगे बदस्तूर गांधीगिरी तरीके से ही हम लोग आंदोलन करेंगे। नहीं मानेंगे तो जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों का कपड़ा जलाया था, उसी तरह घर वापसी का हम लोग बच्चों को अपने स्कूल, सारे स्कूल, निजी स्कूल से वापस बच्चों को लाना शुरू करेंगे। थैंक यू।
गठन किया गया है। सर क्या क्या करने जा रहे हैं आप धर्मदेव यादव? झाझा के अभिभावकों की एक जरूरी मीटिंग हुई जिसमें हम लोगों ने तय किया कि हमारे जितने स्कूल हैं वो सुचारू रूप से चल सके और जो हमारे गार्जियंस हैं सभी कोरोना से अफेक्टेड लोग हैं तो उनका आर्थिक संतुलन भी बना रहे। इसके लिए हम लोगों ने तय किया कि जो साल भर की फीस होती है उसका 50% आधी फीस हम लोग जमा हर हाल में करेंगे। दूसरी बात है जो डेवलपमेंट चार्ज लिया गया है उस डेवलपमेंट चार्ज को इस साल के डेवलपमेंट चार्ज में समायोजित स्कूल कर ले, ये हमारी जो है मांग है, मुख्य मांग है। डेवलपमेंट चार्ज मैंने देने के पक्ष में नहीं है, चूँकि पिछले साल हम लोगों ने दिया हुआ है और स्कूल प्रशासन ही के सर्कुलर में कहा गया है कि हम समायोजित करेंगे। एडमिशन भी हम लोग नहीं देंगे। हालांकि ये सारी बातें स्कूल के सर्कुलर में पहले से दिया हुआ है तो उसी बात को हम जो है कह रहे हैं कि हम जो डेवलपमेंट चार्ज है उसे समायोजित। भैया सर आप लोगों ने गठन किया है तो झाझा में तमाम विद्यालय हैं तो क्या सारे विद्यालय के साथ आपके संघ शांतिपूर्वक लड़ाई में शामिल होगा? बिल्कुल, सभी विद्यालयों के लिए ये कमेटी बनी है और जिन विद्यालयों ने पहले से ही कुछ छूट जो दी है या जो तय किया हुआ है, किसी ने 50%, किसी ने 30%, 35%, तो हम उन लोगों का स्वागत भी करते हैं और इसमें सारे स्कूल के अभिभावक शामिल हैं। थैंक यू सर। इसमें जो कमेटी बनी है मैं आपको बता दूं कि अध्यक्ष के रूप में मुझे धर्मदेव यादव, उपाध्यक्ष के रूप में श्री बबलू सिन्हा जी, सचिव के रूप में मोहम्मद समीन अंसारी जी, उप सचिव श्री कुणाल टंडसी जी, उप सचिव चुन्नू जी, मीडिया प्रभारी के रूप में श्री कृष्णा जी और बतौर संरक्षक बड़े भाई संजय बर्णवाल जी, विनय यादव जी, श्री अजय झा जी, श्री सूर्या वत्स जी, श्री संदीप शर्मा जी, श्रीमती अंजनी कुमारी जी, श्री बिरजू कुमार जी, वीरेंद्र मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। क्या क्या होने जा रहा है? कल जो है हम लोग एक निर्णय लिए हैं कि सेंट जोसेफ स्कूल जाके फादर से मिलके, फादर साहिराज से मिलके फीस जो बच्चों का लिया जा रहा है उस पर उसका जो है हम लोग जो 15% जो वो बोले कि हम छोड़ रहे हैं वो 15% नहीं बल्कि 50% होना चाहिए, इसीलिए कि वो 15% मोबाइल रिचार्ज छोड़ रहे हैं, नॉट ही छोड़ रहे हैं वो। मैंने तमाम विद्यालय के प्रधान से जाके मिलना है। प्रत्येक विद्यालय प्रधान से मिलना है। अभिभावक संघ जिंदाबाद, अभिभावक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद के अभिभावक संघ जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, एक है, आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है, झाझा के तमाम अभिभावक एक हैं, एक है, एक है, स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी, 50% फीस माफ करना होगा।